हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो करने आए हैं सेकंड पार्ट किसका, यूएस इलेक्शन के अल्टीमेट मेल्टडाउन का, और ट्रंप मोदी फ्रेंडशिप इज बैक। और हमने वहीं पर रोका था जहां पे हमने मेल्टडाउन देखने थे, और फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। उसमें वो जो वीडियो बनाई हुई है ट्रंप की, गार्बेज ट्रंप की, वो तो मैंने आज पहली बार ही देखी थी। वो जरूर दे, उसके लिए तो जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये तो दूसरे किसी और चीज के लिए होंगे, ये ट्रंप के लिए थोड़े होंगे। आप जैसा कि समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लावण्या और साउथ दिल्ली की हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। एक यूजर ने तो पूरे के पूरे स्टेट की जनता को कह दिया कि उनको शर्म आनी चाहिए। द यंग टर्क्स करके एक एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल है, जो बहुत इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है। उनके होस्ट का तो रोना निकल गया। आई एम गेटिंग रेव्ड अप हियर ऑन अ सिग्निफिकेंट रैंट, सो बिकॉज़ कमला हैरिस इज नॉट विनिंग। And the people who thought that Kamala Harris was going to win a landslide are totally wrong. Aur American TV host ko dekh lijiye. Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants. Iski video hum Instagram mein lagayenge. To abhi aap batate hain. For our climate. तो पहले तो एक लोग स्टेट को गाली दे रहे थे, ये भाई साहब तो अपने पूरे के पूरे देश को ही गालियां दे रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ पैनल का मेल्टडाउन देख लीजिए। कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट कैपिटल इज हैरिस काउंटी वेयर ह्यूस्टन इज, एंड दे आर रिलेंटलेस इन इट, एंड दैट इज आल्सो द लार्जेस्ट सिंगल फिजिकल नंबर ऑफ ब्लैक वोटर्स इन एनी काउंटी अदर देन कुक काउंटी इन इलिनॉय। दैट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैक वोटर्स अवेलेबल, एंड दे आर डीपली सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी एंड एक्सेस टू द बैलेट। वो कह रहे कि ब्लैक लोगों को दबाया जा रहा है इसलिए वो वोट नहीं कर पा रहे। अरे वोट नहीं कर पा रहे तो ऑलमोस्ट 15% ने ट्रंप को कैसे वोट कर दिया यार? फिर ऑब्वियसली ट्रंप को हिटलर बोला जा रहा है फिर से। One side stands for freedom while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far right dictatorial regime like Hitler's Germany or और सुनिए, living through the moment as an aging bullshit artist. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को ही बंद करा देने की जरूरत है, तभी जाके हम लोग जीत सकते हैं। Like social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations. I gotta get anybody. एक हमास सपोर्टिंग स्ट्रीमर है, वो बेचारा देखिए कितना दुखी हो गया कमला के हारने के बाद। These Democrats that just fucking sold your goddamn liberties by running an objectively dog shit fucking campaign. Wait till you find out how much money they're making. Ek bhai sahab to Hulk Hogan ban gaye yaar, apne kapde hi phadne lag gaye. Oh Jesus Christ, I'm so pissed off. Fuck. फिर देखिए कुछ लोग फिर से व्हाइट प्रिविलेज को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अमेरिका को रेसिस्ट और सेक्सिस्ट बता दिया। कुछ लोगों ने बोला कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो अपना ट्विटर ही डिलीट कर देंगे। तो जरा उनके साथ फॉलो करके चेक कीजिएगा कि उन्होंने डिलीट किया कि नहीं। कुछ कमला के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई जल्दी भाई जैसे टू डिलीट my ex account. Okay, delete it now. I'm disgusted enough to never order a Tesla as long as I shall live. अबे तो पहले भी तो इलोन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, पहले क्यों खरीद रहे थे? फिर से देखिए सोशल मीडिया को ब्लेम किया जा रहा है। But you have Elon Musk who owns Twitter X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propaganda. और देखिए इंटरनेशनल मेल्टडाउन तो होता ही है। टेस्ला सस्ती कर दे ट्रंप, मजा आ जाए। डेमोक्रेट्स हारे हैं तो भारत में तो मेल्टडाउन बनता ही है ना, क्योंकि देखिए साउथ दिल्ली की लावण्या को अपने लोकल एमएलए का नाम ना पता हो, अपने लोकल एमपी का नाम ना पता हो, लेकिन अमेरिका में हैशटैग नॉट माय प्रेसिडेंट जरूर ट्रेंड कराएंगे। कोई जरा संजय झा जी की हेल्थ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड थे कि कमला ने ट्रंप को बिल्कुल ठोक दिया है पूरी तरह से। चेतन भगत को तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, दिन भर ट्वीट करते हैं यूएस इलेक्शन के बारे में, फिर रात बोलते हैं कि किसको क्या फर्क पड़ता है यूएस इलेक्शन से। अरे कहना क्या चाहते हो? राजदीप सरदेसाई बहुत दुखी है कि यार फेलन को जितवा दिया, क्या बात है भैया। इन सब लोगों के को देख के तो लग रहा है कि भैया ठीक ठीक ही बंदा है। काम करती है जिनमें कई पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस लगे हैं, जो काम करने में अच्छे थे। कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी आरफा जी का तो बिल्कुल दिल ही टूट गया। सारे देखो यही लोग हैं कि भाई ट्रंप फिर से एक औरत के रास्ते में आ गया और एक औरत यूएस प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। बिल्कुल उसी तरह के वक्फ बोर्ड ने एक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर पाए। राणा अयूब ने इसमें भी घासा घुसेड़ दिया, फिर कहती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता हु विंस। अगर इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तो ये जो ट्वीट सारे डाल के डाल के मौसी के लड़के ने किए, तो हमारे हिंदुस्तानियों को पूछेगा कि कश्मीर किधर है तो
उनको शायद पता भी नहीं है, लेकिन गाजा का नाम तो ऐसे लेते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, और उसके ऊपर से ये ट्रंप का नाम ले लेके इस तरह से मरते रहते हैं यार। ट्रंप को तो उल्टा गाजा की नहीं पड़ी है, वो तो नेतन्याहू को फोन करके बोलेगा कि भैया दो दिन में वॉर खत्म करो, जितने बम मारने हैं मारो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो दिन में खत्म करो। राजदीप का कहना है कि अमेरिका वुमेन ऑफ कलर के लिए रेडी नहीं है, कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी। सागरिका घोष कहती है कि अमेरिका को उनकी इंदिरा गांधी कब मिलेंगी। तो देखिए इंडिया का जब कोई डिजर्विंग लेडी आएगी तो नेपोटिज्म से आई थी। पाकिस्तान को देखो, वहाँ पे कुछ अलग बेटी थी। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। मैंने अपनी वालदा लिवाना, शी इज माय मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person. kya bol english mein bolne aate hain to aur bhi hote rahenge aage jaate hue, lekin ab ek bada sawal yahan par uthta hai ki jo american elections hue hain usse india par kya fark padega, india ke liye acha hoga india ke liye kharab hoga? to dekhiye this election actually for india is more important than you realize, kyunki trump jo hai wo bahut hi anti deep state hai, aur trump ke election ke baad trump aur american deep state ke beech ki jo ladai hai wo aur bhi khamasan ho jayegi। याद रखिए ये वही डीप स्टेट है जिसने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, और फिर बांग्लादेश में एक पपेट इस्लामिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ट्रंप अगर डीप स्टेट के खिलाफ लड़ेगा तो वो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी चीज है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका से फ्यूल के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया चाइना जैसे देशों की तरफ बढ़ेंगे, और इससे हो सकता है इंडिया को चीपर फ्यूल भी मिले। हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंप काफी ट्रांजैक्शनल है, अगर आप विलिंगनेस दिखाएंगे कि आप ट्रंप के साथ काम करने को तैयार है तो ट्रंप भी आपको काफी कंसेशन देने के लिए तैयार है, और वो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया वाज विलिंग टू वर्क विद ट्रंप। इसलिए याद रखिए कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था इंडिया ने, तब ट्रंप ने उसको चुपचाप सपोर्ट किया था। जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ट्रंप ने उसको सपोर्ट किया था, कुछ हल्ला नहीं बचाया उन्होंने। इसके ऊपर से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी, और हिंदुओं को दिवाली भी विश की थी। फॉरेन अफेयर्स में भी अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट, यानी वो नहीं चाहता कि अमेरिका पूरे दुनिया के देशों की पॉलिसी को डिक्टेट करे। इसलिए अगर वो अपना देश को देखो पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा तो ये पॉसिबल है कि इंडिया में अमेरिका का इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो और इंडिया अपनी नेशनल स्ट्रेटजी को बेहतर डिजाइन कर सके विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। ये भी हो सकता है कि चाइना के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। याद कीजिए कि अपने फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने चाइना पर काफी टैरिफ्स लगाए थे, जिससे चाइना पर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा था। ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो चाइनीज गुड्स, चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज एप्स को भी बैन करना चाहता है, जिस तरह से इंडिया ने टिकटॉक और दूसरे चाइनीज एप्स को बैन किया था। उसने कहा था कि इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और वो इसी तरह से इंडिया के एग्जांपल को फॉलो करना चाहता है। तो अगर ट्रंप ने ऐसा एक्चुअली कर दिया, अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में चाइनीज एप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया, तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। और अगर यूएस मार्केट्स में एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, और वो यूएस बिजनेसेस को चाइना से अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो बिजनेसेस चाइना से अपने सप्लाई चेन्स को दूर करना चाहते हैं। तो देखिए पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप मेक इन अमेरिका को प्रमोट करना चाहता है, अमेरिकन्स को अमेरिकन जॉब्स में प्रमोट करना चाहता है। इसलिए ये हो सकता है कि जो H-1B वीजा है, जिस पर मेजॉरिटी इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, उसको और भी स्क्वीज करने लगे और इंडियंस की जो वीजा के इश्यूज है वो और भी ज्यादा हो जाए, और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट और ट्रंप के बीच में थोड़े टेंशन क्रिएट हो जाए। याद रखिए ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया था कि वो अपनी इकोनॉमी को और थोड़ा खोले और जो उनके कुछ ग्रेन्स में प्रोटेक्शंस हैं उन प्रोटेक्शंस को हटाएं, ताकि अमेरिकन्स को बेहतर एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। और ऑब्वियसली अपनी ग्रेन सॉवरेनिटी के लिए, अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के लिए इंडिया ऐसा नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से भी हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी हुई थी जब लास्ट टाइम ट्रंप आया था, वापस ही वाज नॉट बहुत खुशी वाली। और हिंदू अमेरिकन्स ट्रंप के क्लोज कैबिनेट में है, लेकिन याद रखिए कि ट्रंप के इनर सर्कल में एक ओपन खालिस्तानी भी है जो हिंदुओं को काफी गालियां दे चुकी है, जो इंडिया को गालियां दे चुकी है, जो ओपनली खालिस्तानी सिंपथाइजर है। तो उस तरह के लोगों से भी जो इंडियन अमेरिकन्स और हिंदू अमेरिकन्स आए हैं ट्रंप के कैबिनेट में, उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा ट्रंप को कि भैया ये कितनी डेंजरस औरत है। और हो सकता है कि ऐसे लोगों की वजह से ट्रंप जो है वो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म पर बहुत बड़े स्टेप्स ना ले। तो एक कमेंटेटर ने स्वराज मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप का जो इलेक्शन है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कमर्शियली चैलेंजिंग हो सकता है। उस स्टेटमेंट से ब्रॉडली मैं भी अग्री करता हूँ कि देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर इंडिया ट्रंप को वो चीजें दे जो ट्रंप चाहता है, तो ट्रंप भी इंडिया के साथ काम करने को बहुत रेडिली तैयार हो जाएगा। उसने पहले भी कहा है कि उसकी मोदी से बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर वो मांग कुछ ज्यादा ही रहा इंडिया से, मोदी जी देंगे नहीं, देन कमला हैरिस एंड द डेमोक्रेट्स राइट नाउ इन दिस मोमेंट इन हिस्ट्री। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए बेहतर कौन है, कमला हैरिस या ट्रंप? और
आपका फेवरेट 2024 इलेक्शन से रिलेटेड मेल्टडाउन कौन सा था या मीम कौन सा था, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, बिकॉज़ आई डू वांट टू चेक इट आउट। भाई मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ। एक जो वो जिमी का इन्होंने किया पूरा, उसने ट्रंप पे किया है, वो हम वीडियो लगाएंगे इंस्टाग्राम में। और इंस्टाग्राम अगर आपको नहीं पता है तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर के नाम से वो इंस्टाग्राम होगा, उसको अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करना, आज या कल मैं उसको लगा दूंगी। तो जब ज्वाइन करोगे तो आपको वो होपफुली जल्दी मिलेगा, तो उसके लिए करना इंस्टाग्राम इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बात थी, बोलनी भूल गई यार, चलो आप बोलो तब तक याद है, मैं तभी बोलती हूँ, मेरे को बीच में बोलना होता है नहीं तो मैं भूल जाती हूँ चीजें। ये तो मुझे याद आ गई, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो एक्सट्रीम्स में लोग हैं वो बहुत डेंजरस हैं, मैसिव एक्सट्रीम्स में जो लोग हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रेजिडेंट अच्छा होगा ये नहीं होगा। जैसे वो लेडी आके बोल रही थी कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए कमला हैरिस ही बेटर है, वहाँ पे इतने सारे अफ्रीकन मैन थे उनको वोट करने नहीं दिया, तो वो अलग बात है। मगर उसको ये नहीं पता स्टैटिस्टिक्स कि अफ्रीकन अमेरिकन ने बहुत ज़्यादा तरीके से मिस्टर ट्रंप को इस बार वोट किया है, जो पहले नहीं करते थे। उसका रीजन यह था, मिस्टर ट्रंप ने जो जो बातें कही हैं वो एवरीबॉडी मेक सेंस, सभी ने किया, खाली अफ्रीकन अमेरिकन नहीं, इंडियन अमेरिकन ने भी, यानी तो इंडियन अमेरिकन जनरली डेमोक्रेट्स को करते हैं। मगर हर चीज को सॉल्व करना आसान नहीं होता। जैसे मिस्टर ट्रंप ने पहले भी कहा था कि टिकटॉक वगैरह को बैन किया जाएगा, अभी तक बैन नहीं हुई है, तो इसका मतलब यह कि बहुत फोर्सेज भी हैं जो उसको रिपेल करती हैं। अभी भी मिस्टर ट्रंप ने जो बातें कही हैं कि इमिग्रेशन वाली, कि उसको इलीगल को बंद करेंगे, इकॉनमी बढ़िया करेंगे, टैरिफ इंक्रीज कर देंगे, तो उसमें भी कई झोल नजर आ रहे हैं। मतलब इजी काम नहीं, इट इज नॉट इजी टू डू। तो कर इसीलिए लोगों ने बोला कि अगर वाकई कोई इंसान कर सकता है डिफिकल्ट चीजें तो अच्छी बात है। जैसे मोदी जी ने इजी काम, हम बोलते हैं ना इजी काम नहीं, जो मोदी जी ने कर दिखाया, वैसे यहाँ पे जो ट्रंप ने बोला है वो आसान काम नहीं है, अगर वो कर दे तो कमाल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश की है कि मान लीजिए एक बंदा, आप कहते हैं कि उसने क्राइम किया है, क्रिमिनल फेलन है, जो भी उसे कह रहे हैं, बट वो उसका पर्सनल है, उसने पर्सनल जो लाइफ में किए वो किए, मगर देश को अगर उसके कार्य से बेनिफिट होने वाला है तो हम तो बेनिफिट देख रहे हैं भाई, इकॉनमी बढ़ेगी, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व कर दिए अगले ने, दैट्स ओके। अपनी लाइफ में उसने क्या किया, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मगर यहाँ पे देश का भला तो होगा, आप वोट देश के भले के लिए कर रहे हैं। और अब मुझे याद आ गया मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोलने वाली थी। मैं कहने वाली थी कि जब ट्रंप जो था वो इंडिया गया था तो शुरू में एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, अगर आप देखो कैसे सब कुछ फंक्शंस हुए थे, पर लास्ट में जब ट्रंप को वापस जाना था, ये मैंने उस टाइम भी बोला था जब हमने वो वीडियो देखी थी, और कई बार जब बात होती है उसको मैं बाबा स्ट्रेस करती हूँ ताकि इंडियंस जो हैं वो ये ना सोचे कि बहुत ही ग्रेट चीज होगी, पूरा इंडिया का दोस्त बन के अमेरिका होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब लास्ट में जब दोनों खड़े होके बोल रहे थे, मोदी जी भी थे और ट्रंप भी थे, प्रॉपर ऑफिशियल जो वो बोलते हैं सारे यूएसए के लोग जो आए हैं वो सब बैठे होते हैं वो थे, तो ट्रंप वॉज नॉट हैप्पी, मोदी जी वॉज नॉट हैप्पी, बोथ जो थे वो गुस्से में थे, अपसेट थे एक दूसरे से, ऐसे लग रहा था कि बातों में कुछ हुआ है एंड नाराज टाइप है। तो अब होप तो यही है कि टाइम इतना बीच में गैप हो गया है, अब वो फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रंप की आप स्पीचेस में सुनोगे तो ट्रंप कई बार ये बात बोलता है कि भाई जो मोदी जी हैं वो अपने देश के लिए हैं, वो पूरे पूरे उस टाइप से हो जाते हैं, और ट्रंप तो है ही बिजनेसमैन, उसने तो अपना फायदा ही देखना है, अपना फायदा का मतलब अपने देश का फायदा, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन की तरह सोचेगा, है ही बिजनेसमैन, और मोदी जी जो है वो अपने देश के लिए सोचते हैं, तो यहां पे एक बिजनेसमैन अपने देश के लिए सोच रहा है, वहां एक देशभक्त जो है मोदी जी वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, सोचेंगे, तो दोनों में एग्रीमेंट होना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली, तो वो दिखा था पिछली बारी भी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।